तो गाइज आज हम जा रहे हैं जीन टू कैथल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जीन से कैथल का रास्ता कैसा है। जिन लोगों को पता है तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों को नहीं पता तो वो देख ले। और क्या अपडेट है रोड का, कुछ अच्छा बना है, नहीं बना, खराब है, टूटा हुआ, कैसा है, आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आप जिस रोड से जा रहे हो तो आपको पता हो रोड कैसा है। तो अभी हम चल चुके हैं और ऑलमोस्ट आप देख लीजिए रोड अभी तक तो सही है। और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और पहला गांव हमारा जो आता है वो आता है कंडेला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंडेला का रोड ख़राब नहीं है, मंदिर वंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बस कंडेला में क्या है, दिक्कत थोड़ी सी क्या है कि ब्रेकर ज़्यादा है। मतलब जैसे आप गाँव के अंदर एंट्री करोगे ना तो 4-5 ब्रेकर आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ये गांव में ऑलमोस्ट एंट्री हो गई है हमारी और आगे हम सीधा चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ब्रेकर नंबर 1 हमारे सामने है। और अभी यहाँ पे ना ब्रेकर कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप फास्ट जा ही नहीं सकते, आपको स्लो जाना ही जाना पड़ेगा। तो ब्रेकरों से थोड़ा बच के चले जीन से कैथल जो भी यात्री सफ़र कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक से, अदरवाइज़ दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ब्रेकर तो बनाया इसलिए जाता है कि स्पीड को स्लो किया जाए। और ये देखिएगा इस दूसरा ब्रेकर आ चुका है, अभी हम यहाँ से और आगे चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे आई थिंक 4 या 5 ब्रेकर है इसमें, और देखते हैं काउंट करते हैं आज। और ये देखिए सामने अभी हम चल रहे हैं और ये तीसरा ब्रेकर भी दिखाई दे रहा है। तो गाड़ी को बस थोड़ा स्लो करते चलिए इस गाँव में, और इस गाँव में आप तेज़ गाड़ी भगा ही नहीं सकते, थोड़ा सा भगाएंगे फिर ब्रेकर आ जाएगा। तो अभी ये सामने आप देख रहे हो कि एक और ब्रेकर आ रहा है, वो ट्रक वाले भैया गए हैं अभी। तो ये देखिए गाइस चौथा ब्रेकर भी आ चुका है इस गांव में, 4 ब्रेकर है। और जींद के आसपास आपको पता ही कि फेमस जो है लक्ष्य प्लांट, वो भी इस गांव को क्रॉस करते ही आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस साइड है। जिन लोगों ने सुना है, देखा नहीं है, वो देख लीजिए आपको पता चल जाएगा लक्ष्य प्लांट कहाँ है। वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी बना दिए, देखिए राइट में आप देख रहे हैं, देखिए गाइस ये राइट में ये लक्ष्य प्लांट है। और अभी तक रोड सही है, तो देखिए आप सीधा चलिए। रोड सीधा चलने के बाद ये देखिए थोड़े से यहाँ पे ना ये लगे हुए हैं खड्डे टाइप, जैसे टांकी लगा देते हैं ना उस तरीके से। तो अभी हम कंडेला क्रॉस कर लिया और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखिए इस गांव में गाइस पहला ब्रेकर आ चुका है ऑलमोस्ट, और छोटा ब्रेकर था, ज़्यादा नहीं था। अभी देखते हैं इस गांव में कितने ब्रेकर है, 2-3 ब्रेकर तो यहाँ पे ही मिलेंगे। और ये सेकंड ब्रेकर अभी है गांव में, आपको इस रोड पे तो ब्रेकर मिल जाएंगे। अब अगर ये रोड भी पूरा बन जाता है ना, तो जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने जीन टू रोहतक बनाया था, तो वैसा ही होगा, टाइम सेविंग होगी। और अभी तो ये देखना है कि रोड कैसा बना हुआ है, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि रोड अच्छा नहीं है। बाकी अभी देखते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें, क्योंकि कुछ लोग बनते हैं बन गया है, कुछ कहते हैं नहीं बना। तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि रोड बना है नहीं बना है, और बना है तो कितना बना है, और नहीं बना तो कैसा दिखता है। तो यहाँ से अभी हम रोड पे चल चुके हैं और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि अभी हम नगूरा पहुँचने वाले हैं, जिनसे नगूरा के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और यहाँ तक अभी रोड सही है, कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ पे। जिन लोगों को करनाल जाना है वो भी इस रूट से जा सकते हैं, जीन टू करनाल वाया नगूरा होके बेस्ट रोड है, करनाल को आप कनेक्ट कर सकते हैं इधर के रोड से। और यहाँ से जिनको करनाल जाना है वो आगे से यहाँ से राइट लेंगे, और हमें जाना है कैथल, तो हम जाएंगे सीधा यहाँ से राइट वाले करनाल चले जाएंगे, असंत करनाल। अब हम जा रहे हैं सीधा कैथल की तरफ। अब देखते हैं गांव में तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आपको ब्रेकर भी नहीं नज़र आए, और ऑलमोस्ट सही लग रहा है मेरे को। पहले यहाँ के भी रोड टूटे फूटे थे, लेकिन अभी तो लग रहा है कि यहाँ पे बन चुके हैं, सीमेंटेड बन चुका है। पानी वानी की समस्या रहती थी, पानी बहुत मिलता था यहाँ पे, अभी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा ब्रेकर आ चुका है, और अभी तो देखिए डेवलपमेंट देख रहे हैं ना गाइस, दोनों साइड दुकानें बन चुकी हैं। पहले लिमिटेड दुकानें होती थी, अब बहुत ज़्यादा दुकानें बन चुकी हैं। और ये बस वाले भैया हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हॉर्न तो बजाया था, अब जाके इन्होंने साइड दिया है, क्योंकि ज़्यादा लेन नहीं है इसमें। 4 लेन वाला रोड होता तो जल्दी क्रॉस कर जाते। और गांव के अंदर से तो गाइस स्लो ही चलाना, आप तेज़ मत चलाना। जिन लोगों को पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, जो गांव है गांव में छोटे बच्चे कहीं भी खेलते मिल जाएंगे आपको, और उसके बाद जो मेन है पशु हमारे गाय भैंस वगैरह, वो रोड पर घूमते मिलेंगे आपको इधर उधर, कोई नहाने लेके गया होगा गाय को चारा खिलाने। तो बड़ा ध्यान से चलाएं गांव में, स्पीड में चलाएं। ये देखिए सामने दिख रहे हैं ना भैंस आ गई, तो कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए गांव के अंदर जब भी आप एंट्री करते हो ना, बड़ा स्लो चलाएं गाड़ी, तेज़ मत चलाएं। ये वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए आपको लग रहा है कि तेज़ चल रही है, अदरवाइज मैं स्लो चला रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर लिया नगूरा को, एक ब्रेकर और आ गया, और अब देखते हैं ये रोड कैसा है। यहाँ के बाद बताते हैं गाइस कि रोड ना बहुत ख़राब है, अब देखते हैं यहाँ पर रोड कैसा होने वाला है। ये देखिए पैचेस शुरू हो चुके हैं, मतलब गाड़ी को आप तेज़ नहीं भगा सकते, और कहीं पे तेज़ कहीं पे स्लो दोनों चलाए। देखिए रोड तो अच्छा नहीं बना हुआ, ये देखिए खड्डे, छोटे 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 खड्डे हैं, पैचेस बने हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे कहीं पे टांकी लगी हुई है, कहीं पे नहीं लगी हुई, कहीं पे कट मार के आप लेके जा रहे हैं। और रोड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक रोड है अभी तक तो, अब आगे देखते हैं कैसा रोड आता है। और अभी तो चल ही रहे हैं हम,
लेकिन मेरे को नहीं लगता कि रोड टूटा हुआ ज़्यादा होगा, बाकी देखते हैं कैसे क्या होगा, क्योंकि गाड़ी तो अभी तो हमारी सही चल रही है। वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी जैसे हमने नगुरा क्रॉस किया था, अभी आगे चलते हैं देखते हैं कि कौन सा रोड कहाँ पे टूटा हुआ मिलेगा, और फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, क्या क्या नहीं, अभी डेवलपमेंट है नहीं इस रोड पे। जब ये रोड का नंबर आएगा जब देखो क्या होता है क्या नहीं, अभी तो देख सकते हैं अब कैसा क्या है, क्योंकि रोड ये बन जाएगा। कुछ कनेक्टिविटी ऐसी है चंडीगढ़ के लिए जो हमें चाहिए, तो जिन लोगों को जींद से चंडीगढ़ जाना है उनके लिए यही रोड है एक है, तो बेस्ट रोड तो यही है। या फिर आप वो वाला पकड़ेंगे 152D वाला पकड़ेंगे, अम्बाला से चंडीगढ़ जाएंगे, वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, इतना में आप जुलाना जाएंगे इतना में तो आधे रास्ते पहुँच जाओगे। तो ये और ब्रेकर आ गया गांव में, ये देखिए गाइस गांव बड़े प्यारे हैं, यहाँ के लोग भी गांव के बड़े प्यारे हैं, क्योंकि हरियाणा है ये, हरियाणा हरियाणा दूध दही का खाना बोलते हैं हरियाणा का, तो जिन लोगों को पता है तो ठीक है, जो हरियाणा के बाहर के लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के गाँव बड़े प्यारे हैं, और यहाँ पे आपको दूध दही लस्सी कहीं भी मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब कुछ जगह आपको पैसे देने होंगे, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट कितने ही ले लो आप जो लोग पीने के शौकीन हैं। तो ये भी गांव हमारा ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है, अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं रोड कैसा है, आगे टूटा हुआ है या नहीं है। गाइज रोड का तो पता नहीं, मौसम बड़ा अच्छा है, और ये देखिए अब हम गाड़ी चला रहे हैं और देख रहे हैं, अभी यहाँ पे छोटे छोटे पैचेज आ गए हैं जो ख़राब है यहाँ पे, ये देखिए टूटे टूटे से, गाड़ी अब तेज़ नहीं चला सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर से बन रहा है ये, कहीं और की कनेक्टिविटी है, कोई और है आई थिंक, कहीं से कनेक्ट होगा। 152D से बता रहे हैं कि कनेक्ट होगा, ये पंजाब की तरफ जाएगा, बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे भी आपको रोड ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक से रोड है, और दूर से देख रहे हैं ना, दूर से देखने से आप देखो पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे मिले हुए पेड़ हो, मतलब आपके लिए एक गेट सा बना हुआ पेड़ों का। तो ये देखिए यहाँ पे भी सही है रोड, और आगे देखिए थोड़ा बहुत टूटा फूटा है। अभी हम ऑलमोस्ट आगे जो पहला हमारा जो बड़ा आएगा जुलाना के बाद नाम आता है किठाना का, वहाँ देखते हैं कैसा रोड है, उसके बाद पता चलेगा इस, क्योंकि उसके बाद तो 100% ख़राब मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। और ये देखिए ज़्यादा वाइड रोड नहीं है और ट्रैफिक इस रोड पे ज़्यादा मिलता नहीं है आपको, इसलिए ठीक है जा सकते हैं बाइक कार भी आप। और ये देखिए गाइस यहाँ पे ठीक है, टूटा हुआ है छोटा छोटा, आप देख रहे हो नीचे गाड़ी थोड़ा सा, वीडियो को थोड़ा फास्ट किया गया है, गाड़ी तो नॉर्मली चल रही है अपनी 70-80 के आसपास, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत नहीं लग रही। और ये देखिए गाइस यहाँ पे पेट्रोल पम्प वगैरह आ गए हैं, आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना है। तो ये अभी हम किठाना के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसा रोड होने वाला है, यहाँ पे बढ़िया है टूटा फूटा है क्या है क्या नहीं है। अब हमने एंट्री ऑलमोस्ट कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ब्रेकर आपका पहला ब्रेकर आ चुका है, और देखते हैं गाइस यहाँ का रोड कैसा है। अभी तक तो ठीक है, गाँव के अंदर गाइस स्लो चलाना, जिनको नहीं पता दोबारा बता देता हूँ, और जिनकी आदत है तेज़ चलाने की उनको तो कौन ही रोक सकता है, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट कि अगर आप स्लो चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दुर्घटना से बचेंगे, क्योंकि गांव ज़्यादा बड़े नहीं है, रोड भी ज़्यादा बड़े नहीं है, और कभी भी कोई भी पशु आगे से आ जाएगा तो दिक्कत तो दोनों की हो जाएगी, टाइम भी ख़राब होगा, तो इसलिए आप सीधा चलें और स्लो चलें। ब्रेकर नंबर 2 आ चुका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ब्रेकर, कंडेला के कंपैरिजन तो बहुत अच्छे हैं, कंडेला में तो गाड़ी आपकी बिल्कुल कितनी भी तेज़ हो बिल्कुल स्लो करनी पड़ती है, यहाँ पे तो एक बार आप ले जा भी सकते हो। ये भैया साइड दे दो, यहाँ से सीधा चल रहे हैं, और ये देखिए गाइस बाइक वाले भैया भी कहीं भी घुसा देंगे, ट्रक वाले भैया भी, तो थोड़ा सा इसलिए मैं बोलता हूँ कि गाँव के अंदर से जब आप जा रहे हो ना तो थोड़ा स्लो चलाओ, क्योंकि कभी किसी गाड़ी वाले का नहीं पता। ये देखिए अब ये ट्रक वाले के पीछे पीछे चल रहे, ये ब्रेकर नंबर 3 आई थिंक ये विदाई वाला ब्रेकर है, इसके बाद ब्रेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं गाँव को, बस 4-5-10 घर ही रह गए हैं। और ये देखिए गाइस यहाँ पे भी रोड सही है, कोई दिक्कत लगी नहीं है मेरे को, ये राइट में आपको बाईपास दिखेगा जो तैयार है भी है नहीं भी, मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी, दोनों काम है। और ये देखिए यहाँ पे, इसलिए देखिए भेड़ दिख रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्लो। देखिए गाइस अगर आप यहाँ पे भगा रहे हो और आपका बैलेंस ना बने तो दिक्कत आ जाएगी ना, इसलिए आप स्लो चलाएं गाड़ी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने गांव क्रॉस कर लिया, अभी हम निकल रहे हैं कैथल, यहाँ से कैथल ऑलमोस्ट 24-25 किलोमीटर है, और ये है हमारा सामने हवाई जहाज जा रहा है हरियाणा का, इसका कंपैरिजन कोई है नहीं, लेकिन हम आगे निकल गए। ओह हमारे पास भी एक छोटा सा हवाई जहाज है, तो इसलिए हम भी निकल गए, हरियाणा रोडवेज़ को पीछे छोड़ दिया। नॉर्मली हरियाणा रोडवेज़ को बोलते हैं कि उसके आगे पीछे नहीं रहना चाहिए, उससे साइड ही कर लो आप। तो रोड अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ज़्यादा यहाँ तक, और आगे देखते हैं कैसा क्या रोड होने वाला है,
कैथल में होगा या कैसे क्या होगा, देखिए गाइस स्लो चलाएं, ज़्यादा तेज़ मत चलाएं। और यहाँ पे अभी हमें लग रहा है कि रोड थोड़ा सा ख़राब शुरू हो चुका है, ये देखिए गाइस, ये देखिए थोड़ा थोड़ा रोड ख़राब हो चुका है, टांकियाँ लगी हुई है, रिपेयर हो चुका है रोड, तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक रोड है। और ये यहाँ से अभी हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं कहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पे रोड ख़राब है थोड़ा सा, आधा किलोमीटर हो गए हैं और आगे देखिए यहाँ पे, मतलब ना रोड ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, छोटे 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 खड्डे हैं, आपकी गाड़ी ना पूरी हिलने लग जाएगी यहाँ पे। और इस तरीके के खड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सामने ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी हम कैथल में एंट्री करने वाले हैं। लेफ्ट से कलायत की तरफ जाएगा और अगर जिनको चंडीगढ़ जाना है वो यहीं से बाईपास हो ले, एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हमें जाना है कैथल। तो हम देखते हैं अंदर कैसा रोड है। अब हम कैथल के अंदर ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके हैं, मतलब शहर के अंदर नहीं, बाहर पे, जहाँ से कैथल अभी 8 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि हम सीधा जाएंगे बस स्टैंड वाला नहीं दिखाएंगे हम आपको रोड। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि रोड में अभी दिक्कत है, ज़्यादा बढ़िया है नहीं है रोड, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। और ये देखिए गाइस अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ट्रैफिक यहाँ पे आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी चलती है शहर के अंदर के लिए। और अभी तक रोड ठीक है, ज़्यादा ख़राब अभी आया नहीं है यहाँ पे कैथल के अंदर की अगर मैं बात करूँ, जो 7-8 किलोमीटर हमारा बाईपास से है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा बना हुआ है रोड, यहाँ पे भी टूटा हुआ करता था किसी टाइम में, अभी तो ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है मेरे को। यहाँ पे देखो कुछ पैचेज़ हैं, वही ये देखिए, ये फिर पैचेज़ आ गए, इनसे थोड़ा सा बच के चले। देखिए गाड़ी पूरी हिल रही है गाइस, गाड़ी ना गाड़ी हम स्लो चला रहे हैं, वीडियो फास्ट है इसलिए आपको लग रहा है। और ये देखिए सामने वाले देख रहे हैं कितने स्लो चल रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं हम भी। और ये देखिए पुल आ गया है, नहर को हमने क्रॉस किया और यहाँ पे देखते हैं रोड कैसा है। यहाँ पे भी बहुत ख़राब हुआ करता था, अभी भी ख़राब ही है, कुछ अच्छा नहीं है। ये देखिए खड्डे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पैचेज हैं, रिपेयर किए गए, रिपेयरेबल पैचेज हैं यहाँ पे, जो रिपेयर हो चुके हैं वो भी हैं, रिपेयर्ड कर चुके हैं सारे तो, लेकिन ठीक है रोड ज़्यादा बहुत बढ़िया है नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, रोड वाइड नहीं है, अगर रोड वाइड हो ना तो इतना ज़्यादा दिक्कत आए ना। अब ट्रैफिक के कारण कुछ तो रोड टूटे हुए हैं, टाइम लग जाता है, और कुछ फिर वाइड रोड नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए सफ़र ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सफ़र हो गया, कि भाई साहब नहीं इस रोड पे मत जाओ, बहुत बड़ा सफ़र है, ट्रेन से चले जाओ या फिर सुबह सुबह निकलो, क्योंकि सुबह निकलोगे आप ट्रैफिक नहीं होगा, रात को ट्रैफिक नहीं होगा। और ये अभी हम चल चुके हैं, 2-3 ब्रेकर आ चुके हैं और अभी हम ऑलमोस्ट कैथल के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। थोड़ी दूर पे ये आपका बस स्टैंड के लिए अलग रास्ता जाएगा और सिटी के लिए अलग जाएगा, हम अंदर की तरफ एंट्री करेंगे और आपको बताएंगे। ये देखिए खड्डे हैं अभी भी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले रोडों का हमारा क्या हो रहा है, और भी बहुत सारी वीडियो इंटरेस्टिंग आपको मिलती रहेंगी। और ये गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रेट, और जिन लोगों को जाना है बाईपास बस स्टैंड वो यहाँ से राइट लें, हम स्ट्रेट जा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।